हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि FIIs और DIIs कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और एक रिटेल इन्वेस्टर उनकी तरह कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करें उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। द माइंडसेट। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि FIIs और DIIs एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, जिस वजह से वो बियो मार्केट के दौरान सर्वाइव कर पाते हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत सालों के लिए डिसेंट रिटर्न को भी जनरेट कर पाते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जिसके दौरान वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कैलकुलेटिव रिस्क लेके एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ प्रोसीड करते रहते हैं, जिसके वजह से उनको ज़्यादा सक्सेस भी मिलता है। तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर भी उनके तरह रूल्स और स्ट्रैटेजी को फॉलो करे तो वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कंसिडर करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को फॉलो करना चाहिए, और वो फिलोसॉफी रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस और एजम्पशंस के ऊपर बेस होना चाहिए, जिसको यूज़ करके आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं और अपने फिनेंशियल गोल को भी अचीव कर पाएंगे। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन को और एसेट क्लासेस को डिफाइन करना होगा जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि आप मार्केट के वोलेटिलिटी के टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएं। की पॉइंट्स फॉर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। नंबर वन, डिफाइन योर कोर बिलीव्स। हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का रीज़न और पर्पस को सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए। नंबर टू, टाइम होराइजन्स। हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जैक्ट टाइम होराइजन को पहले डिसाइड करना चाहिए, ताकि हम अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकें। नंबर थ्री, रिस्क एंड रिवार्ड। हमें अपने रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन करना होगा, और इसके बाद हमें एक सर्टेन रिवार्ड को भी डिसाइड करना होगा, ताकि हम एक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए अपना प्रॉफिट को बुक कर सकें। नंबर फोर, एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हमें अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करते हुए बहुत सारे एसेट क्लास में अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम डिफरेंट एसेट क्लास से डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम जनरेट कर पाएं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा डेली मार्केट अपडेट्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फिनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि FIIs और DIIs ज़्यादातर प्रोडक्ट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि उनके फिलोसॉफी और स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करता है। ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशंस लार्ज कैप, ब्लू चिप और इन्वेस्टमेंट ग्रेड टाइप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा FIIs और DIIs सिर्फ लार्ज कैप सेक्टर में ही अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो ऐसे सब सेक्टर का तलाश में रहते हैं जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल अपसाइड हो, और उसमें वो इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जिसके दौरान वो कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, जबकि उससे पहले ही उस स्टॉक को फाइंड आउट करके उसमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे वो उससे एक मल्टीवैगर रिटर्न हासिल कर पाएंगे और अपना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को भी ऐसे ही कुछ स्टॉक को फाइंड आउट करके उसमें अर्ली एंट्री बनाना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक उसमें इन्वेस्टेड रह के उसमें से एक मल्टीवैगर रिटर्न को हासिल कर सके। फाइनली वी विल टॉक अबाउट आउटलाइनिंग इश्यूज इन एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। नंबर वन, टाइम होराइजन। एक रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो में स्टॉक को शामिल करना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक टाइम होराइजन हो, ताकि वो उस स्टॉक से एक अच्छा मुनाफा को बुक कर सकें। नंबर टू, एसेट एलोकेशन। ये जनरली दो तरीके के होते हैं, जैसे नंबर वन टैक्टिकल और नंबर दो स्ट्रैटेजिक। अगर हम अपने पोर्टफोलियो में एक टारगेटेड परसेंटेज का एलोकेशन करते हैं तो उसको हम टैक्टिकल बोलेंगे,
और जब हम किसी एसेट क्लास में एक रेंज परसेंटेज में अपना एलोकेशन करते हैं तो हम उसे स्ट्रैटेजिक बोलेंगे। FII और DII इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए स्ट्रैटेजिक एलोकेशन करते हैं और अपना पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करते रहते हैं ताकि वो मार्केट के हाई वोलेटिलिटी सिचुएशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएं। नंबर 3, रिस्क वर्सेस रिटर्न। एक रिटेल इन्वेस्टर को अपना रिस्क प्रोफाइल को पहले डिफाइन करना होगा और अपना रिस्क टॉलरेंस को भी डिफाइन करना होगा ताकि वो उसके बाद अपने टारगेट को अकॉर्डिंगली सेट कर सके। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो।